हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूम टॉयज। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि जाइए जाके सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है उसको तो दबाई दो, जिससे कि जब भी कोई नया हमारा टॉयज का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले व्यूवर्स बन पाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप हमारा एक भी टॉयज का वीडियो मिस करें, क्योंकि हमारे सारे टॉयज की वीडियो कमाल धमाल झमाल माला माल और काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस होते हैं। और जैसा कि मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ कलेक्शन ऑफ सुपर कार। देख सकते हो मेरे पास कितनी कमाल धमाल झमाल मचाने वाली सुपर कार है, और ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस करी और मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि आप इसकी प्राइस जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये डाइस कास्ट करके कार से यहाँ पे देखिए, बहुत यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे कार्स दे रखी है, 12 भी दे रखा है और F1 रेसिंग कार्स भी दे रखी है। आज हम इन सबको करेंगे अनबॉक्स और आपको बताएंगे कि क्या है इनके अंदर खास और किस तरह से ये चलती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाला था कि इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस कराया ओनली एंड ओनली 350 रुपीज़ में। वाह, 350 रुपये में कितनी कमाल की है हमारी डाइस कास्ट कार, उन्होंने यहाँ पे कितना कमाल और कितनी चीपेस्ट प्राइस की। और आई थिंक ये सारी की सारी जो है हमारी जो है उस मेटल की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सर्विस देने वाली हो, काफ़ी लुक में काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे इसके बॉक्स पे लिखा हुआ 3+ ईयर्स, मैंने यहाँ पे एज भी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि 3 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए दे रखा है। न्यू प्रोडक्ट है, बैक साइड में भी यहाँ पे कुछ वही दे रखा है, डाइस कास्ट कार दे रखी विथ प्लास्टिक पार्ट्स और ऑथेंटिक डिटेल्स विथ मूविंग पार्ट। वाओ, तो चलिए इसको हम करने वाले हैं जल्दी से यहाँ पे अनबॉक्स, आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह की ये कार से। तो वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिए, कि यहाँ से हमें इसको भी यहाँ से निकालना होगा। आई थिंक यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, देखिए ये चिपका हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी हमें यहाँ से निकालना होगा। देखिए काफ़ी लंबा सेलो, ये हमने फाइनली इसको कर दिया है अनबॉक्स। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। ओ माय गॉड, मैं रिमूविंग कर रहा हूँ गलत तरीके से। देखिए यहाँ से ये है इसके पीस और ये हमारी कार से, देख सकते हो आप इसको कितनी ही खूबसूरत है हमारी। ओ वाओ, क्या हो गया, जब मैं अभी इसको लेके आ गया, ये देखिए मैं ले आया हूँ फाइनली। आप देखिए इनका लुक कितना ही कमाल का दिख रहा, हमारी सारी कार का लुक है ना लाजवाब, वो कमाल धमाल धमाल दिखने वाली। तो चलिए इनका रिव्यू जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि क्या है इनकी क्वालिटी और किस तरह की है। तो सबसे पहले पिक करते हैं हमारी ऊपर टॉप से पिक करेंगे, और अब देखिए पूरी मेटल की बनी हुई स्टील, देखिए इसमें चमक भी आ रही है ना, देखिए देखिए आपको पूरी ओरिजिनल रोशनी दिख रही है। ग्लास जो है इसका ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे देखिए वीवो दे रखा है, स्टेयरिंग दे रखा, यहाँ पे गेयर बॉक्स दे रखा और पीछे शॉक अप दे रखे, देखिए और यहाँ पे दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये साइलेंसर दे रखे हैं यहाँ पे दो, यहाँ पे काफ़ी बिग साइज में। और इसके टायर जो है वो काफ़ी कमाल के, फर्स्ट टाइम में किसी मेटल कार में इस तरह के टायर देख रहा हूँ, काफ़ी मोटे हैं और जो है रेड कलर के दे रखे, और इसके अंदर व्हील्स जो है वो सिल्वर कलर की दे रखी, देखिए है ना कमाल के। फ्रंट में देखिए पूरा रेड कलर का जो इसका लुक है, रेड और सिल्वर कमाल का है। देखिए मेरा फेस भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और मेरी उंगली भी यहाँ पे दिख रही, देखिए पूरा कितना चमक रहा है यार। वाह यार, मैं तो इस कार का दीवाना हो गया। अगर आपको भी पसंद आइए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको बताना चलेगी। ओह वाह यार, देखिए मतलब ओपन भी हो सकती है, वाह देख सकते हो कितनी कमाल की है, मतलब मुझे तो पता ही ना कि ओपन भी होगी, लेकिन देखिए अब इसको ओपन और क्लोज दोनों यहाँ पे ओपन हो रही है ना कमाल की, है ना काफ़ी कमाल की। यहाँ पे देख सकते हो ओपन कर दी मैंने इसको और इसको यहाँ पे क्लोज कर दी, और यहाँ से हमने इसको लॉक भी इस तरीके से क्लोज हो जाता, देखिए यार वाह, और इसको चला सकते हैं, देखिए ओहो पीछे करके आगे नहीं चलेगी ये, ओहो पीछे ही जा रही है, देख सकते हो अब इसको, तो हमें इसको आगे इस तरीके से धक्का देना होगा, ये आगे जाएगी, देखिए अभी जो है ढलान पीछे की तरफ है तो इसीलिए पीछे की तरफ आ रही है, मैं आपको इसको रिवर्स में दिखाता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ही आगे चल रही है। वाह वाह वाह, तो है ना कमाल की। अगर आपको पसंद आया सिल्वर कलर इसका मेटेलिक हमारी कार का, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए बताइए। चलिए इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं हमारी अगली कार के ऊपर, जो कि है फार्मूला F1 रेसिंग कार, ये भी पूरी मेटल की बनी हुई, इसका कलर देखिए आप कितना खूबसूरत दे रखा है यहाँ पे, इसमें लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका लाइट ब्लू कलर दे रखा है, यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे उसके बाद ऑरेंज कलर दे रखा है, और टायर देखिए ब्लैक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो व्हील्स दे रखे हैं वो है गोल्डन कलर के, और एकदम फार्मूला F1 रेसिंग कार दिख रही। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर भी दिख रहा है, फिर देखिए एक बंदा चला रहा है और ये स्टीयरिंग वो चल रही है, देखिए अब इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये भी जो है पूरी मेटल की बनी हुई है,
देख सकते हो आप, इसको आवाज़ भी आएगी। ये देखिए प्लास्टिक नहीं है इसके अंदर, मेटल दे रखा ऊपर, नीचे जो है नीचे की साइड यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा, लेकिन ऊपर तो पूरा मेटल है वो काफ़ी कमाल की। देखिए अब चलेगी ऑटोमेटिक नीचे आएगी, वाह वाह वाह। तो अगर आपको ये पसंद आई हमारी फार्मूला F1 रेसिंग कार, तो इसके लिए तो लाइक का बटन जो है उसको दबाई दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। अब आता है हमारा अगले कार, ये कार नहीं है, ये है हमारा ट्रक। वाह कितना कमाल का, देखिए पूरा मेटल की यहाँ पे चादर बिछी हुई है यहाँ पे। इसका कलर देखिए पूरा ब्राउन कलर में दे रखा है, इसका फ्रंट लुक देखिए, इसका जो फ्रंट का गिलास भी देखिए, मुझे लगा था गिलास नहीं होगा लेकिन गिलास भी दे रखा है यहाँ पे। और अंदर देखिए ड्राइवर सीट भी पूरी बना रखी है, स्टीयरिंग यहाँ पे नहीं दे रखा लेकिन पूरा आपको, अच्छा स्टीयरिंग इधर दे रखा क्योंकि US की है, तो देखिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्टीयरिंग दे रखा, और आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा ओरिजिनल। अगर आप इसका अंदर से इंटीरियर देखेंगे तो पूरा ओरिजिनल आपको ट्रक जैसा दिख रहा है यहाँ पे। देखिए काफ़ी स्पेस है जगह जगह, पीछे भी देख सकते हो आप इसको, टायर इसके काफ़ी यूनिक है। अब पीछे के टायर जो है वो अंदर की तरफ दबे हुए हैं, फ्रंट भी जो है वो भी अंदर की तरफ कुछ दबे हुए, लेकिन इसकी जो बॉडी है ओवरऑल कमाल की, पूरी मेटल की बनी हुई यहाँ पे, नीचे हल्का सा मुझे लगता है प्लास्टिक का यूज़ करा हुआ लेकिन काफ़ी अच्छी हो। यहाँ पे क्या लगा 15, वाह 15 का मतलब क्या है मुझे नीचे कमेंट करिए। तो अगर आपको ये ट्रक पसंद आया, मुझे तो देखिए आप इसको पास से दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको ये ट्रक पसंद आया तो इसके लिए जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। देखिए ये देखिए, ओहो ये मारी थी राउंड मारता, देखिए ऑटोमेटिक में इसको नीचे चला रहा हूँ तो भी देखिए फ्लिप मार रहा, वाह ओहो ये देखिए, ओहो काफ़ी तेज मैंने दिया इसको, ये देखिए फ्लिप मारा इसने, तो मतलब ऑटोमेटिक जो फ्लिप मारने वाला ट्रक दे रखा है यहाँ पे देखिए, तो है ना कमाल का, काफ़ी अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं किसी इस तरह का कोई सा टॉय देख रहा हूँ जो ऑटोमेटिक फ्लिप मार रहा है उसको धक्का देने पे। तो चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हमारे अगली कार के ऊपर जो है हमारे सेगमेंट की, वो कौन सी है मुझे इसका नाम नहीं पता इस कार को क्या बोलते हैं, लेकिन अर्बन, वाह वो कार काफ़ी ज़ोरदार है और काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए इसका फ्रंट लुक देख सकते हो आप इसका, यार कितना कमाल का है। देखिए यहाँ पे भी ग्लास भी है, इसका ग्लास जो है फूटा हुआ है, आई थिंक डिजाइन ही ऐसी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बना हुआ, आप क्या बना हुआ आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करिए। लेकिन देखिए इसका फर्स्ट टाइम इस तरह की कार है, आई थिंक ओरिजिनल भी इस तरह की होगी, तो अगर आपको पता है इस कार को क्या बोलते हो, आपने इसको कहीं देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए वाह अभी इसको भी पूरा इस तरीके से धक्का देंगे, ये फ्लिप नहीं हो रही, देखिए ओ गई थी नीचे गिर जाती, हम उसको फिर से लेकर आ गए। ये देखिए ये फ्लिप नहीं मार रहा है, देखिए ओहो ये देखिए टकराने के बाद काफ़ी स्पीड से नीचे भी आ रही है, वाह। तो अगर आपको ये कार पसंद है तो इसके लिए एक लाइक का बटन है उसको दबा दो, और पूरी की पूरी हमारी ब्लू कलर की, और इसके टायर भी काफ़ी कमाल के, तो इसको भी रखते थे। अब आते हैं हमारी लास्ट नॉट द लिस्ट हमारी कार सेगमेंट में, देख सकते हो फास्ट, ये कार मैंने कहीं ना कहीं देखी है, अब कहाँ देखी मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको बताया गया इस तरह की कार आपने कहाँ देखी है तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देखिए इसकी जो व्हील्स है पूरी गोल्डन कलर की दे रखी है, फास्ट आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस में लगता है नीचे प्लास्टिक दे रखा है इसका, लेकिन इसके ऊपर की बॉडी जो है पूरी मेटल की दे रखी है, और इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी दे रखे हैं, वाह। देखिए इसको बताया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगती है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रखें, बोनट भी इसका मेटल का दे रखा है, इसका ग्लास देख सकते हो काफ़ी कमाल का। तो चलिए इसको भी रख देते हैं हम यहाँ पर, अगर आपको पसंद आई कार तो इसके लिए एक लाइक का बटन उसको दबा देना। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे 350 रुपीज़ में यहाँ पे 5 कार्स मिली है, सुपर कार्स तो एक टू एक ट्रक भी मिला, 3, 4 और लास्ट नॉट द लिस्ट हमारी 5 फॉर्मूला F1 रेसिंग कार। तो अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट वॉट एवर जो करना कर दो, लेकिन वीडियो को फैला दो। और अगर आपको मुझे कुछ भी सजेशन देना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा, और मैं कैसे अपने वीडियो को इम्प्रूव करूँ ये भी आप मुझे नीचे बता सकते हो। चलिए आज के वीडियो को हमें करना होगा यहीं पर, देखिए ऑटोमेटिक हमारी सारी के सारी कार यहाँ पे जा रही है, यहीं पे समाप्त। मिलता हूँ हमारे किसी अगले टॉयज के वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।